दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप अपने आधार कार्ड को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। अक्सर क्या होता है कि जो हमारा आधार कार्ड होता है वो फट जाता है या कहीं गुम हो जाता है। तो आज की इस वीडियो में बताऊंगा कि आप बहुत आसान तरीके की मदद से अपने आधार कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप मोबाइल यूज करें तो आप मोबाइल में भी डाउनलोड कर सकते हैं आधार कार्ड को, या कंप्यूटर या लैपटॉप यूज करें तो उसमें भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करे वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कैसे डाउनलोड करा जाता है आधार कार्ड को। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको गूगल में लिख देना है UIDAI, ये आधार कार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट है, और UIDAI पे क्लिक कर देना है। इस पे तो देख सकते हैं आपकी जो आधार कार्ड की जो ऑफिशियल वेबसाइट है ये ओपन हो चुकी है। अब उसके बाद यहाँ पर देखेंगे गेट आधार, इसमें एक ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिलेगा डाउनलोड आधार, तो इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर पूछ रहा है आधार नंबर, तो यहाँ पर आपको आधार नंबर डाल देना है। आधार नंबर डालने के बाद फिर यहाँ पर पूछ रहा है आई वॉन्ट अ मास आधार। अगर आपको मास आधार चाहिए तो आप इस पे टिक करेंगे, और अगर आपको मास आधार नहीं चाहिए तो इस पे अनटिक कर देंगे। लेकिन अगर आपको मास आधार नहीं पता कि मास आधार क्या होता है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरे लेफ्ट साइड में यहाँ पर है नॉर्मल आधार कार्ड और राइट साइड में मास आधार कार्ड। तो दोनों में डिफरेंस ये होता है, आप दोनों के आधार नंबर देखिए जरा ध्यान से। नॉर्मल आधार कार्ड में जो आधार नंबर है उसमें पूरा लिखा हुआ है, और मास आधार कार्ड में जो नंबर है आधार नंबर वो हाइड हो रखा है, बस लास्ट के चार डिजिट नंबर दिख रहे हैं। तो दोनों में यही फर्क होता है, नॉर्मल आधार कार्ड में जो आधार नंबर है वो पूरा दिखता है, और मास आधार कार्ड में जो आधार नंबर वो हाइड होता है, बस लास्ट के जो चार डिजिट नंबर होते हैं, लास्ट के जो चार नंबर होते हैं बस वही देखता है। दोनों में बस यही फर्क है। तो फिर यहाँ पर आपकी मर्जी है, अगर आपको मास आधार चाहिए तो आप टिक कर देंगे, लेकिन अगर आपको मास आधार नहीं चाहिए तो आप यहाँ से टिक हटा दीजिए, इसको ऐसे ही रहने दीजिए ब्लैंक। और यहाँ पर फिर है कैप्चा वेरिफिकेशन, यानी जो यहाँ पर कैप्चा है वो यहाँ पर आपको टाइप करना है। अगर आपको ये कैप्चा समझ में नहीं आ रहा तो यहाँ से आप रिफ्रेश कर सकते हैं कैप्चा को। तो यहाँ पर मैं ये वाला कैप्चा इधर डाल देता हूँ। तो जैसा कैप्चा यहाँ पर लिखा हुआ है मैंने एज इट इज यहाँ पर कैप्चा डाल दिया है, और फिर यहाँ पर आपको सेंड ओटीपी पे क्लिक करना है। फिर जो आपके आधार कार्ड पे जो मोबाइल नंबर लिंक है उस मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी गया होगा, तो वो ओटीपी आपको यहाँ पर डालना है। यहाँ पर ओटीपी डालने के बाद फिर आपको यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ टेक अ क्विक सर्वे, तो ये आधार कार्ड की तरफ से एक सर्वे क्वेश्चन है, तो यहाँ पर आपको कुछ भी आंसर दे देना है। यहाँ पर जरूरी नहीं है आपको उसको यस ही करना है, नो, यहाँ पर आप कुछ भी यस नो कर दीजिए, और यहाँ पर भी कोई भी ऑप्शन एक सिलेक्ट कर लीजिए, और फिर उसके बाद यहाँ पर वेरीफाई एंड डाउनलोड पे क्लिक कर दीजिए, और फिर उसके बाद आप यहाँ पर सेव पे क्लिक कर दीजिए। फिर देख सकते हैं इधर सेव हो चुका है मेरा। तब इसको ओपन करते हैं, तो जैसे ही मैं ओपन कर रहा हूँ तो यहाँ पर बोल रहा है पासवर्ड रिक्वायर्ड, यानी जो ये आधार कार्ड है ये पासवर्ड से प्रोटेक्टेड है, ये पीडीएफ में है, ये इसमें पासवर्ड लगा हुआ है। तब इसका पासवर्ड क्या होगा ये मैं आपको सही तरीके से मैं बता देता हूँ। जैसे अगर आप पुराने वाले टैब में जाएंगे, आपने यहाँ से वेरीफाई एंड डाउनलोड पे क्लिक करा था, अगर आप इसके नीचे करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं इसके नीचे लिखा हुआ है द आधार लेटर पीडीएफ पासवर्ड विल बी इन 8 कैरेक्टर। तो जो पासवर्ड है, जैसे अगर आपका नाम है अनिस कुमार और जो बर्थ ईयर है वो है 1989, तो जो इसका पासवर्ड होगा शुरुआत के 4 लेटर, यानी नाम का जो आपका नाम होगा उसका शुरुआत का 4 लेटर होगा कैपिटल में। तो जैसे इसका नाम है अनिस कुमार, तो शुरुआत के 4 लेटर है अनिस, ANIS, ये कैपिटल में होगा, और जो इसकी डेट ऑफ बर्थ की जो बर्थ ईयर है वो यहाँ पर आएगी, तो पासवर्ड इसका होगा अनिस 1989। और अच्छे से समझाने के लिए मैं और बता देता हूँ, जैसे कि आप सामने स्क्रीन में देख रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है नेम और पासवर्ड। तो अगर मैं नेम लिखता हूँ अनिस कुमार, और अनिस कुमार की जो बर्थ ईयर है वो है 1989, तो मैं पासवर्ड लिखूंगा अनिस 1989, यानी
जो अनीस का जो चार शुरुआत का जो चार लेटर है वो कैपिटल में लिखना है। तो अनीस का शुरुआत के जो चार लेटर है ANIS, बस ये है चार लेटर। और जो इसकी बर्थ ईयर होगी वो आपको लिखना है लास्ट में, यानी शुरुआत के चार लेटर और लास्ट में बर्थ ईयर, तो जाके ये आपका पासवर्ड रेडी हो जाएगा। लेकिन अगर आपके नाम में केवल तीन ही लेटर है तो वो मैं बता देता हूँ। जैसे इसमें देख सकते हैं, मैं दूसरा नाम इधर राम कुमार, तो शुरुआत केवल तीन ही लेटर है, तो जो उसका पासवर्ड बनेगा वो बनेगा ऐसे RAM K1995। आपको स्पेस नहीं डालना, वो काउंट नहीं होगा। RAM और उसके बाद जो K है, कुमार का K आ रहा है, चौथा वर्ड है K, तो पासवर्ड बनेगा राम के, और जो भी इसकी बर्थ ईयर होगी वो लिख देना आपको। जैसे इसकी बर्थ ईयर है 1995, तो ये है ऐसा आपका पासवर्ड बनेगा। तो अब आपको पासवर्ड समझ में आ गया होगा कि पासवर्ड कैसे बनेगा। तो यहाँ पर मैं अपना पासवर्ड डाल देता हूँ। पासवर्ड डालने के बाद यहाँ पर आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो आप देख सकते हैं ये आपके इधर आधार कार्ड निकल चुका है। फिर आप यहाँ पर उसके बाद यहाँ से प्रिंट भी निकाल सकते हैं या डाउनलोड भी कर सकते हैं, यहाँ से आपकी जैसी मर्जी है। तो दोस्तों अब मुझे उम्मीद है आपको आधार कार्ड डाउनलोड करना आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो प्लीज इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी यूजफुल वीडियो इस चैनल पर आपको मिलती रहेगी।